हमारे मेहमान सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर आदित्य है नहीं पहचाने ना कैसे पहचानेंगे आदित्य इज जस्ट वन हाफ ऑफ द टीम द अदर हाफ बीइंग दिवाकर हिज ओन ब्रदर एंड आदित्य दिवाकर वर्क एज अ टीम अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ एडी बॉयज यस दैट रिंग्स अ बेल राइट तो लेट्स वेलकम आदित्य ऑफ एडी बॉयज आदित्य वेलकम टू ई बॉलीवुड बिजनेस मैं बहुत खुश हूँ आज आपके साथ इधर

ये बहुत अच्छा गाते हैं इतनी उम्र में भी बहुत अच्छा गाते हैं सो एंड फ्रॉम द बिगिनिंग वी लव बॉलीवुड एंड बॉलीवुड फिल्म वर लाइक इंटरगल पार्ट ऑफ आर लाइफ्स सो म्यूजिक इतना पैशन था हमको म्यूजिक का बॉलीवुड का इतना पैशन था सो वेन वी लाइक स्टार्ट ग्रोइंग अप वी वर टीन एजर्स आई वॉज लाइक फिफ्टीन एंड माई ब्रदर वॉज सेवेंटीन वी फाइनली डिसाइडेड लेट्स गो टू बॉम्बे फ्रॉम देन वी लैंडेड बॉम्बे एंड वी डेंट नो एनी वन So 15 और 17 आप लोगों ने पढ़ाई-पढ़ाई सब छोड़ दी। हाँ जी मैं मैं मैंने सिर्फ standard ही किया उसके बाद I left all the studies because that was not my interest like अच्छा। like uh, पढ़ाई मेरे को समझ भी नहीं आई you know I, I never I never did that you because music was the biggest thing for us and uh, we used to sing I used to work at home sometimes I used to leave education and all that and I used to play songs loud and used to sing with them like नहीं ली ना नहीं सिंगिंग में ना म्यूजिक में हाँ जी अब मैं आपको एक बात बताता हूँ म्यूजिक और सिंगिंग ये दो ऐसी चीजें हैं इसको कोई नहीं सिखा सकता इस दुनिया में ये सिंगिंग और, बहुत सारे तो ट्रेन होकर लेते हैं बहुत ज्यादा लेते हैं लोग पर फाइनली uh, उनके अंदर कुछ होता है टैलेंट ऑफ कोर्स वो तो है वो तो है वो तो पॉलिश पॉलिश आई विल डेफिनेटली एग्री विद यू दैट अ सिंगर नीड्स टू टू पॉलिश हिमसेल्फ सिंग बट डू समथिंग बॉम्बे एंड वी वर नॉट डोइंग एनीथिंग और हम रिक्शा वाले से पूछा करते थे फिल्म इंडस्ट्री किधर है लेकिन चलो <laughs> उधर बॉलीवुड किधर है नजर नहीं आता था कुछ यू नो एंड टू एडजस्ट इन वी केम फ्रॉम लंडन सो दोनों भाई अकेले थे घर थे? Hmm. Uh, so अच्छा, में रहते थे हम, uh -huh. तो क्योंकि हमारा रिलेटिव के साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया बाद में यू नो वी स्ट्रगल एंड लाइक यू नो वी जस्ट वर्क सो हार्ड हम स्टूडियो टू स्टूडियो जाया करते थे म्यूजिक डायरेक्टर को ढूंढा करते थे और कहीं कभी कहीं कोई म्यूजिक डायरेक्टर मिल गया mm -hmm. तो उसके सामने वैसे उसको पूछना पूछते भी नहीं थे हम उसको वैसे ही गाना शुरू कर देते थे सो मेनी पीपल लाइक दैट दैट वी है इवन अनिल कपूर जी को भी हम वैसे मिले थे अनिल कपूर जी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है

बहुत आगे जाना चाहिए और बहुत स्टाइलिश होना चाहिए अभी वी कांट कम्पीट विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एट ऑल राइट नाउ वी कांट बिकॉज आपको लगता है कि स्टाइल नहीं है इंडियन म्यूजिक में इसलिए स्टाइल पीपल स्टाइल है इंडियन म्यूजिक में स्टाइल है लाइक like फ्यूजन करके आजकल हिंदी मेलेडी और फ्यूजन आप यूएस का म्यूजिक डाल दो बीच में इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है आजकल वो है पर म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स आई थिंक दे आर सप्रेस्ड बाय एक्टर्स बाय पर जब उनका काम काम करता है तो लोगों को मालूम तो होना चाहिए ना किसी ने किसने तो आपको लगता है वो मालूम नहीं, नहीं है रोज इतने सिंगर्स हैं यहाँ और क्या है कि किसी का करियर परमानेंट नहीं रहा आज पहले ममता शर्मा गाती है फिर फिर कोई और सिंगर आ रहा था अभी कनिका कपूर आ गई यू नो सो सो मेनी इट्स रिप्लेसमेंट इज सो फास्ट एंड एंड दिस प्रोड्यूसर्स एंड दिस बिग एक्टर्स दे शुड गिव दे शुड एटलीस्ट गिव सम इंपॉर्टेंस टू म्यूजिक एंड सिंगर्स एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स तो आपकी बॉलीवुड की जर्नी स्ट्रगल तो आपने बहुत की आपके भाई के साथ हाँ जी मगर जर्नी शुरू कैसे हुई फिर जर्नी अभी मैं बताता हूँ अभी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है वो uh, हम यहीं यहीं पे थे अंधेरी में ये मीत बर्दा स्टूडियो है इधर

हमने गाना गाया था उनका ही कोई गाना गाया था उनकी उनकी फिल्म का uh, तब तब गैंगस्टर के गाने बहुत फेमस थे उनके यू नो वो उनका उनको शाइन कर गए थे वो तब हुँ. तो वही गाना गाया था हमने हुँ. और हम पुराने गाने भी गाते थे म्यूजिक डायरेक्टर्स के सामने uh, जैसे एक मनाली का गाना मैं सुनाता हूँ आपको खोई खोई आख है झुकी पलक है जहाँ जहाँ देखेगा तू वही झलक है खोई खोई आ तेरे नैना तलाश करें जिसे वो है तुझ पे कहीं दीवाने तेरे नैना तलाश करें जिसे वो है पे कहीं तेरे अरे लाइक दिस like <laughs> तो फिर क्या us, you know, we, तो उन्होंने एलिवेटर से आपको अपने नंबर एक्सचेंज किया हमने और आफ्टर टू मंथ सिटिंग्रस्टरेटेड नथिंग इज एपनिंग यू गेट अल फ्राम हिम

तो उसके बाद फिर हडिप्पा में भी हमको प्रीतम ने बुलाया। हमने उसके बाद डिसाइड किया कि हम म्यूजिक बनेंगे। वी हैड कंपोजिशन टैलेंट तो म्यूजिक डायरेक्टर्स क्यों बनेंगे क्योंकि आपको दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं बुलाते थे इसलिए क्योंकि सब म्यूजिक डायरेक्टर खुद गाना शुरू कर दिए <laughs> अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर बन जाऊंगे हिमेश ने गाना शुरू किया फिर

उनके साथ हम हमने बहुत असिस्टेंट काम किया था लाइक यू नो उनके उनके स्टूडियो में जाते थे हम तो आपके स्ट्रगलिंग डेज में स्ट्रगलिंग डेज में उनके साथ भी गए गए हम नगा नगा से पहले हम उनके साथ बैठते थे उन, उनके स्टूडियो में देखते थे क्या चल रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन सो वैसे हमने सीखा फील्ड वर्क से ओके दिस इज आवर द म्यूजिक इज डन दिस इज आवर द म्यूजिक इज प्रोड्यूस इन बॉलीवुड दिस इज द कल्चर ऑफ दिस इंडस्ट्री सो वहाँ से सीख के हमने डिसाइड किया ओके लेट्स बिकम म्यूजिक डायरेक्टर्स और दो में हम रतन जी को मिले रतन जैन Venus. Venus, Venus के. और ही इज गॉड फैट वो हमारे गॉड फादर उन्होंने हमको हमारे अंदर जो टैलेंट था वो पहचाना कंपोजिशन का जो और कोई नहीं पहचान रहा था हम, हम स्ट्रगल उसमें भी कर रहे थे composing में सो उन्होंने ये देदनादन हमने देदनादन टाइटल ट्रैक चाहिए था उनको तो कोई बना नहीं पा रहा था प्रीतम से भी उन्होंने कहा उससे भी नहीं उनसे भी नहीं बना और भी कई म्यूज को उनको उन्होंने कहा तो हमने उनको एक पहले दो महीने पहले एक स्क्रैच बना के दिया था डैमो वो गाना था डोल गया डोल गया दिल मेरा तेरे उत्ते डोल गया इन पंजाबी सो उनको वो बहुत पसंद आया सो so, फिर हम एक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है लाइक like, हमको फोन आया हमने हमारा लंदन जाने का प्लान था, था तब नेक्स्ट मंथ सो हम हम सब बुक करने वाले थे हमारी टिकट्स बुक करने वाले थे लेट्स गो बैक टू लंडन फॉर लाइक टू गो बैक मीट फैमिली एंड कम बैक सो जैसे हम जा रहे थे लाइक like, you know we were going to book our tickets we got a call from ratanji that uh, i've selected your song they did title like god didn't want us to leave this city at all so we kis kis kia to the ye you know so and also we got addicted to this city now so रतन जी ने बुलाया हमको आ जाओ और डोल गया जो लिरिक्स है उसको दे दनादन कर देते हैं फिर उसको उन्होंने बदल के दिल दे दनादन, दे दनादन, दिल मेरा बोले, दे दनादन, दे दनादन, दिल मेरा बोले बोले अरे वाह सो दिस सॉन्ग वाज़ द मेन टाइटल ट्रैक ऑफ द मूवी एंड इसी के साथ फिल्म प्रमोट हुई थी और इसी के साथ आप म्यूजिक डिरेक्टर्स भी बन भी गए। बन गए okay. और इसमें क्रेडिट शेयर किया हमने प्रीतम के साथ

परफेक्ट इन टाइटल ट्रैक्स लाइक हम टाइटल ट्रैक कैसे बना देते हैं कम्पोज भी कम्पोज लाइक दैट सो उन्होंने कहा कुश्ती टाइटल ट्रैक बनाओ सो so, हमने दो दिन में बना दिया उनको सुनाया और कर 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 कुश्ती कर रो कुश्ती कर रो कुश्ती कर रख दिल किसी ज़तू ना डर ओ तू ना डर ओ तू ना डर ओ सो दिस वॉज द टाइटल ट्रैक ऑफ कुश्ती फिर ये किया हमने फिर आस, उसके बाद वी डेड प्यार का पंचनामा अच्छा। कुमार मंगत जी ने हमको उसमें भी गाने, गाने कंपोज किए उसमें भी हमने एक गाना कंपोज किया ही मूवी अच्छा। में वो सुजेन डीमेलो और मोनाली मोनाली ठाकुर ये गाना हिट है लाइक आप यूट्यूब में सर्च करिए ये गाना सबसे ज्यादा जुम्बा क्लासेज में परफॉर्म हुआ

मेल पार्ट है उसका वो हमने गाया था पर वो ऐश्वर्या के आवाज में पर वो बाद में ऐश्वर्या ने गा दिया लाइक यू नो लाइक वी डिड अ लॉट ऑफ वर्क्स लाइक दिस बट तो ऐसा क्यों head, हुआ लाइक वी डोंट नो लाइक हम एक बार अरबाज़ जी को मिले थे ऑफिस में उनके तो आ, हमने उनको सुन उन, उनकी फिल्म किसान किसान आई थी सोहेल जी खान थे की उसमें भी हमने एक गाना गाया था डब्बू मलिक जी के लिए डब्बू मलिक म्यूजिक तो वो रहा अच्छा, कि नहीं वो रहा वो रहा okay. वो था झूमो रे झूमो वो गाना था mm -hmm. तो वो रहा सोहेल भाई तब से हमको जानते हैं वो गाने के बाद से और अरबाज जी भी जानते हैं हमको तब से तो हम मिले उनको अरबाज जी को ऑफिस में तो उन्होंने कहा आप तो बहुत अच्छा गाते हो मुन्नी गाना में डब कर रहा हूँ तो आप ललित जी के पास भेज देता हूँ आपको आप आ जाओ तो हम गए और अरबाज जी बहुत कॉन्फिडेंट थे उस गाने के लिए तभी भी जब गाना रिलीज भी नहीं होता और एंड ही रोट दैट दिस इज दिस सॉन्ग इज सुपर हिट सॉन्ग ऑफ टू and i was like weirded out like he wrote that thing mm -hmm. and it was really a super blockbuster hit song of that mm -hmm. year mm -hmm. so fir hum gail ali ji ke humne dub kiya fir fir baad mein you know we don't know like i don't know but ye to chalta rehta hai ye chalta rehta hai alag alag singers ki awaaz mein we are not sad about that it happens it this is life you can't predict that only you will get you're going to be like that to तो ab ये डिसीजन सही था कि नहीं कि आप म्यूजिक डायरेक्टर्स भी बन गए दिस डिसीजन हैज बीन अ गुड डिसीजन बिकॉज सारे म्यूजिक डायरेक्टर खुद गाए हैं आज सारे म्यूजिक डायरेक्टर खुद गा रहे हैं तो हम हमको तो काम ही नहीं मिलेगा तो सो दिस हैज बीन अ गुड गुड डिसीजन एंड वी एंजॉय इट अ लॉट हम सिंगिंग से ज्यादा कंपोजिंग को एंजॉय कर रहे हैं आजकल और उसके बाद हमने एक ग्रैमी अवार्ड विनर आर्टिस्ट है डैडी एंकी यूएस ही इज वेरी बिग इन यूएस सो इट वॉज आवर लक दैट वी गॉट टू कोलैबोरेट विद हिम अच्छा उनका एक गाना था लोवम्बा ओके okay. लोवम्बा एक सुपर हिट वर्ल्ड वाइड गाना है yes. आप कोरिया में चले जाइए जापान में चले जाइए वो गाना इज इन एवरी क्लब उसमें उसका हमने हिंदी वर्जन बनाया अच्छा उसका हमने हिंदी वर्जन ये है ओ मेरे दिल रुबा ओ मेरा दिल डूबा दिल डूबा दिल डूबा ओ मेरे पास आ पास आ ओ मेरे दिल रुबा ओ दिल रुबा ओ दिल रुबा

Uh, but uh, no, not any singer has collaborated with with anyone. So I think we were very lucky to collaborate with him. And he is legend in the US. YouTube hits बट नो नॉटर से दो भाई मुंबई में सस्टेन कर सके Well, बोले would... की आपने कहा कि दूसरे तो बुलाएंगे नहीं हमको hmm. हमें खुद को अपने गाने गाने nah, हैं बिल्कुल बिल्कुल तो क्या है कि, uh, Surviving ki jo baat hai, ye, you are right about this question. So we have been surviving, like by the grace of God. I think Bhagwan survived no one else is like, you know. So it has been it has been going on. Like we don't know what, how it's happening, but everything but is happening. But it is happening. It is happening, yeah. Mm -hmm. Everything is happening and every, mm -hmm. everything is moving and mm -hmm. we are doing a lot of plans and mm -hmm. uh, we have a lot of plans for future for mm -hmm. our future and mm -hmm. uh, and we would we would like to work with everyone in the industry and like

but right now we are more focusing on music because we want to do something in music first then then we'll move to acting and all those those things चलिए तो आपका एक्टिंग का सपना भी yeah. पूरा हो जाए इसी yeah. दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे लेकिन जाते-जाते नगाड़ा नगाड़ा गाना yes, हो yes. जाए हो रंग पूरे दी रंग रंगीली लड़की छैल छबीली उस दे चंचल लैन कटा और चंचल नयन कटार रूप बना दी यार उसके रूप से कतल हुए तो चर्चा शुरू हुआ नगाड़ा 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 बजा नगाड़ा नगाड़ा नगाड़ा, नगाड़ा, नगाड़ा बजा